जनपद के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का नया बैच प्रारंभ होने से एनेक्सी भवन के सभागार में अधिकारियों द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन किया गया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत एक नया बैच शुरू हुआ है, जिनके मार्गदर्शन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सभी छात्रों के विभिन्न प्रकार के जो सवाल थे उन सवालों का जवाब उनसे बात करके दिया गया है कि यूपीएससी व अन्य सभी प्रकार के एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से की जाए। इस अवसर पर सीडीओ संजय कुमार मीना, अपर एसडीएम सदर शिवम, डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने कहा, 25 में से एक लेना है आपको, ऐसा है? अब 25 में आपने जो पढ़ा है और जिससे मार्क्स आते हैं वो ऑप्शन कौन से है? फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या यूपीएससी के अंदर फिजिक्स के लोग स्कोर कर पा रहे हैं, ये किसी ने स्टडी किया है? या मैं बीएससी एग्रीकल्चर हो सकता हूँ, कितना 2025-2017-2050 अलग अलग जवाब है। आप सभी के पास माइक है और मुझे उम्मीद है कि ये फंक्शन है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं, ठीक है, ज़ेवियर्स कॉलेज, अब उसके अंदर हिंदी नहीं आती है, फिर उसमें 25% चाहिए, ज्यादा चाहिए? 25 सब श्योर है? फिर ये आपको होमवर्क नंबर 1 हो गया। क्या पास कितने पे होना है? एक टाइम, एक वक्त, एक ही माइक चालू रह सकता है, या तो मेरा या आपका, ठीक है? आप में से टॉपर कौन रहा है अपने अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? नहीं रहे, जो टॉपर रहते हैं वो यूपीएससी नहीं करते हैं, ठीक है? और फिर बाद में आप लोगों को पीछे कर दिया हूँ, तो मुझे सब लगभग याद है, आप गलत बोलोगे तो पकड़ लूंगा। देखिए, अब आपको एक बात बताता हूँ, स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, मैक्रो लेवल पे क्या बताना है, किसमें कितनी डिटेल्स बतानी है और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो आखिरी में आपको इंटरव्यू में बाहर निकाल देगी, मेंस में आपके मार्क्स नहीं लेके आएगी। तो अभी आप सब लोग हमारे लिए स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स मतलब बच्चे हैं। देखिए, आप अपने चेहरे देखिए और मेरे देखिए, मैं आपको देखते ही बूढ़ा सा नहीं लगता हूँ? जब आप मेरे जैसे लगने लगोगे तब आप पास हो चुके रहोगे, और जब मैं आपके जैसा दिखता था तब मैं क्रिकेट खेलता रहता था, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, पहले पेपर 1 का बर्ड साइज ही होना चाहिए। बर्ड साइज मतलब कि ऊपर चिड़िया उड़ रही है तो नीचे क्या दिखता है? तो नीचे ऐसे दिखता है जो जिस इस एनेक्सी भवन में आप बैठे हो, ये ऊपर से सिर्फ एक बिल्डिंग दिखती है। तो जो मैडम आप बता रही हो, आपको ये पता होना चाहिए, हिस्ट्री पूछा जाता है, फिर आपसे कोई पूछे हिस्ट्री में और बताइए, तब आप बताओगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछा जाता है, एंशियंट हिस्ट्री पूछी जाती है, मेडाइवल पूछी जाती है, मॉडर्न पूछी जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, ये आपका हिस्ट्री हो गया। अच्छा आता है, यूपीएससी के पास हर एक आदमी को हराने की ट्रिक रहती है, जिसको ज्यादा आता है उसको कैसे हराना है, जिसको कम आता है उसको कैसे हराना है, ठीक है? ये नॉलेज का नहीं है, ये प्रेजेंटेशन का है, ठीक है? रूल्स ऑफ द गेम पता करिए, फिर मैडम बताइए हिस्ट्री हो गया, उसके अलावा और क्या पूछा जाता है? ज्योग्राफी पूछी जाएगी। अब ज्योग्राफी में कौन बताएगा? ऐसे लोग हैं जिनको ज्योग्राफी समझ ही नहीं आता है कि यहाँ से पानी ऊपर इवेपोरेट होगा तो कब ड्यू पॉइंट आएगा और कब बारिश नीचे आ जाएगी, ये किसको नहीं पता चलता है? जैसे आपको नहीं पता चलता है, जो लोग यहाँ पे आज हाथ उठा लेंगे, ये मुझे नहीं बताना है, आपको अपने आप को बताना है कि ये मुझे आता है या नहीं आता है। अगर आप अपने आप को बता सकते हो कि मुझे नहीं आता है, तो आप 0 से शुरू कर सकते हो। अगर आपका अपने आप से भी सच नहीं बता सकते हो, तो आप हमेशा अपने आप को धोखे में रखोगे, आप कभी भी उस पर फोकस नहीं करोगे। जो अभी सर ने बताया कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है आते हैं और उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, ये आप अभ्युदय में आ रहे हो इसलिए नहीं हो रहा है,
ये आप कहीं पे भी चले जाओ, राउस में जाओगे, वाजीराम में जाओगे, विजन में जाओगे, फोरम में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, सब लोग आखिरी तक नहीं चलते हैं। क्या करना है? दरिया है, पार करना है। बहुत सारे लोग बीच में डूबेंगे, जो छोड़ के चले जाते हैं वो डूब जाते हैं। जो आखिरी में पार करने वाले होते हैं और गिर जाते हैं वो क्या है? सबसे ज्यादा नुकसान उसका हुआ है। तो हमेशा अगर ठान लिया है तो रुके रहो, रुके हो तो प्रयास करते रहो। क्लियर? बीच में नहीं छोड़ना है, पहले सोच समझ के एंटर करना है। आगे जो भी जर्नी है मुश्किल है, एक बार में नहीं होगा। बहुत लकी होंगे जो एक बार में कर ले जाएंगे, फिर और समय लगेगा, और समय लगेगा। अगर आप पूरे स्ट्रक्चर की बर्ड साइड व्यू अगर अभी देख लोगे, जिसको समझ में आ गया कि ये मुझे इंटरव्यू में चाहिए रहेगा, और उसको आज पता है कि ये एक साल बाद इस तरीके की तैयारी चाहिए और इस तरीके से पूछे जाएंगे, वो उसकी तैयारी आज से कर लेगा, जो स्टेप बाय स्टेप करेगा। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी हम प्रीलिम्स पूछ रहे हैं, जब हम मेंस पे जाएंगे उसके बाद इंटरव्यू पे जाएंगे। अब जब आप इंटरव्यू पे जाओगे, मेंस देंगे, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। और डिटेल में आप सभी को जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में और कैसे तैयारी करनी है, क्या इन चीजों पे फोकस करना है, उसके बारे में डिटेल में बताया। मैं बता दूं, कुलदीप ही इज माय बैचमेट एंड वी आर फ्रॉम द सेम बैच, 2018 बैच। तो अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं किसी और एग्जाम की तैयारी करने आए हैं? यूपीएससी एक एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है? सिविल सर्विसेज। तो आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने आए हैं, ना कि यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं। ठीक है, देखिए क्लैरिटी स्टार्टिंग से होनी चाहिए, जैसा अभी कुलदीप ने बहुत अच्छे से फोकस करके आपको बताया। ना आप आईएएस की तैयारी करने आए हैं, ना आप किसी पर्टिकुलर जॉब की तैयारी करने आए, आप एग्जामिनेशन की तैयारी करने आए, जिसके थ्रू आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, उस एग्जाम को हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं। तो क्लैरिटी जैसा बताया सिलेबस की होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस आपके दीवार पे हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो आपके जनरल स्टडीज का हो और जो भी ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करना है उसका हो। क्योंकि जब तक आपके सामने सिलेबस नहीं होगा या आपके दिमाग में प्रिंट नहीं होगा, आप किस पर्टिकुलर पॉइंट पे या किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो समझ में नहीं आएगा। जैसा कई स्टार्टिंग में यही डाउट होता है कि क्या पढ़ें, मतलब किताबें तो बहुत हैं, आप एक सब्जेक्ट के लिए देखेंगे तो मोर देन 50 बुक्स आपको मिल जाएंगी और रिकमेंडेड भी होंगे। ऐसा नहीं है कि 50 बुक्स मिलेंगी तो कोई रिकमेंड नहीं करता, बहुत सारे लोग उसको रिकमेंड भी करेंगे। तो क्लैरिटी आपको पहले सिलेबस की होनी चाहिए। ऐसे सभी लोग, जैसे आजकल डिजिटल वर्ल्ड होता जा रहा है, सभी लोग यूट्यूब देखते होंगे, टीवीएफ एस्पिरेंट्स किसी ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है? मोर देन 30-40%। उसमें जो फाइनली वो जब सेलेक्ट होता है और उससे भैया मिलने आते हैं, तो भैया की क्या एडवाइस होती है कोई बताएगा कि उन्होंने क्या एडवाइस दी थी उसको? वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बन के आते हैं और वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो रहे होते हैं, उस टाइम क्या एडवाइस देते हैं वो एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे? यस सर, सर वो यही बताते हैं कि हमें अपने प्रिपरेशन के दौरान अभ्युदय योजना के अंदर आज नया बैच आया है, उसका इनिशियल ओरिएंटेशन प्रोग्राम सीडीओ साहब के अंडर में हम लोगों ने सभी ने करवाया। तो सभी स्टूडेंट्स के विभिन्न प्रकार के डाउट्स थे, यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कैसे क्लियर किया जाए, किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहे, क्या तैयार करना है, क्या ऑप्शनल देना है, सभी पे विस्तृत रूप से चर्चाएँ हुई और सभी सवालों के उनके जवाब दिए गए।